मैं हूँ अभी किचन में, और किचन में मम्मी हैं जो कि मसाला पीस रही हैं, मसाला बना रही हैं। प्रेगनेंसी के समय तो बेबी को खाया जाता है मसाला, वो मसाला बन रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया था कि क्या क्या यूज़ होता है। और इसमें है लिया गया ड्राई फ्रूट्स का, और यहाँ हल्दी है जो कि पेस्ट बनाया जाएगा, और ये जीरा का मसाला है ना, जीरा और जवाइन सौंफ, जवाइन और सौंफ है इसमें जो कि सारा पेस्ट बन चुका है। अब इसको वो किया जाएगा, भूना जाएगा घी में, और यहाँ है गुड़, गुड़ डाला जाएगा। तो ऐसे करके ये मसाला रेडी हो जाएगा, अभी पीसा जा रहा है। अभी शाम हो चुका है और थोड़ा सोच रही हूँ कि बर्गर के पहले चाय बना लूँ, क्योंकि सबको वेट कर रहे हैं चाय के लिए, तो चाय बना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है तो आलू बॉयल है, तो आलू का बर्गर भी बन जाएगा फटाफट से। फ्रिज में रखा हुआ है हमारा बर्गर, बर्गर ब्रेड, तो पहले चाय बनाते हैं उसके बाद बर्गर बनाते हैं। और अभी क्या हो रहा है ना, मसाला के लिए मसाला भूना जा रहा है, जो मसाला रेडी किया गया था, पीसा गया था, वो अब ये जो पेस्ट है ना, इस पेस्ट में है अजवाइन, जीरा, सौंफ, सारे को पेस्ट तैयार करके भून लिया गया है, गुड़ जाएगा। और यहाँ ड्राई फ्रूट्स वाला पेस्ट है जिसमें है बादाम, मखाना, नारियल, किशमिश, छुहारे, तो सारे को पेस्ट बना के अच्छे से भूना जाएगा, गुड़ डाला जाएगा, और बनने के बाद ये मसाला रेडी हो जाता है। और इसको खाती हैं डिलीवरी के बाद, ये जो पेस्ट तैयार किया गया है ये एक तरह का दवा है, और इसको खिलाया जाता है डिलीवरी के बाद लेडीज़ को, जिससे कि उनकी वीकनेस दूर हो जाती है। दिवाली, हे फैमिली, दिवाली आ चुकी है, और दिवाली में साफ़ सफाई तो ज़रूरी है, साफ़ सफाई शुरू हो जाता है, तो हमारे घर पे दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। आप इस सकते हैं ये हस्बैंड ना पूरे सफाई में लगे पड़े हैं, दो रूम की सफाई कर चुके हैं। बाबू मुझे परेशान कर रहा था इसलिए ब्लॉग नहीं ले शूट नहीं कर पाई। और इधर सफाई हो रहा है, फैन भी साफ हो चुका है, और बहुत ज़्यादा फैन गंदा हो गया था। और साफ़ सफाई करने के बाद अभी किचन की सफाई बाकी है, दो रूम की सफाई हो चुकी है, तो पूरा मेहनत किया जा रहा है दिवाली के लिए। मेरे ऊपर मत झाल दीजिए। तो मेरा नहाना वहाना अभी हो चुका है, और बाबू इतने देर में जग भी गया है, तो मैं बोल रही थी कि तुरंत वो जगता है, तुरंत सोता है, तो जग गया है। और अभी है बाहर, सब कोई खिला रहे हैं उसको, तो मैं जा रही हूँ अभी, गरम गरम पानी पीना है मुझे, मतलब गुनगुना पानी, तो चलते हैं गरम पानी कर लेते हैं और खाना वाना खाते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है, तो मॉर्निंग मॉर्निंग में भूख भी लग जा रही है मेरा नाश्ता, जबकि चाय और ब्रेड वेग हो चुका है, ब्रेड हो चुका है, लेकिन भूख भी बहुत जल्दी लग रही है, तो चलते हैं खाना वाना भी खा लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बेड दिख रहा होगा, बिखरा बिखरा सा है, और इट है ना ब्लैंकेट के अंदर बाबू है, क्योंकि थोड़ा ठंड होने लगा है, तो लाइन अब रखने लगे हैं बाबू को, और ये कुछ दिन तक मेरे कोई और, हाँ पीछे भी आके खड़े हैं, और ब्लॉगिंग नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा है, और टाइम अभी लग रहा है कि मिलेगा भी नहीं, क्योंकि फोकस करना है अपने ऊपर। कब हो रहा होगा ब्लॉगिंग, कब होगा? अब तो टाइम मिल नहीं रहा है, मेरे से सिचुएशन तो सही हो गया है, टाइम नहीं मिल रहा है ना। नहीं टाइम तो निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी है जो चीजें हैं पहले सेटल हो जाए, उसके बाद टाइम निकाला जाएगा इसके लिए। अच्छा, और फिर फैमिली सुबह सुबह का टाइम है, और मेरा नाश्ता वास्ता हो गया है, चाय साय चल गया है, ब्रेड वेड खा लिया है मैंने, और बाबू अभी सो रहा है, तो मैं फटाफट से जा रही हूँ नहाने के लिए, और मम्मी वम्मी तो नहा ली हैं, पूजा भी कर ली हैं, और मुझे तो अभी टाइम मिला है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से नहा लेती हूँ। और अभी क्या है ना, मौसम जो हो रहा है फॉग फॉग सा हो रहा है, कुहासा हो गया, और धूप लग रहा था नहीं निकलेगा, लेकिन हल्का हल्का सा निकल चुका है, पता नहीं में यहाँ हल्का सा दिख रहे होंगे, सूरज निकल गया है, और हल्का हल्का सा पूरे तरह से निकल, मतलब धूप जैसा होता है वैसा नहीं है, और इस टाइम में धूप का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कपड़े में अगर धूप नहीं लग रहा तो सूख नहीं रहा, और मेन प्रॉब्लम है बाबू का सूसू कर रहा है, जिससे कि प्रॉब्लम हो रही है, हगेस हमेशा पहना नहीं सकते हैं, और कपड़े सूखेंगे नहीं, तो मेन प्रॉब्लम कपड़े का ही है। तो अभी जो ठंडी आना बाकी है, और ये हाल है, नवंबर स्टार्ट हो चुका है,
और नवंबर से ही लग रहा है कि ठंडी स्टार्ट हो जानी चाहिए। और धूप ऐसा मत हो कि नहीं हो, धूप होता रहता है तो सही है, हल्का हल्का सा तो धूप निकल गया है। हाँ, और इस साइड में लग रहा है ना वो बजाने वाले जो आते हैं कीर्तन वीर्तन वाले, वो आवाज़ आ रही होगी, वो सब आए हुए हैं सोसाइटी में, सोसाइटी में भी एंट्री कर जा रहे हैं, नहीं सोसाइटी के बाहर है क्योंकि इनको एंट्री तो मिलती नहीं है, सोसाइटी के बाहर ही है। तो चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ना बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सब रहने लगा है क्योंकि कपड़े बाबू के रहते हैं बेड पे ही, जो कि पास में रहेगा तो फटाफट से चेंज पे पड़ा रहता है इनका पूरा कॉटन कॉटन सा कपड़ा। और यहाँ इनका ब्लैंकेट लगा हुआ है, अंदर में बाबू सोए हुए हैं तो आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ है, तो वो बाद में पता रिवील जिस दिन करना होगा ना। मेरी फैमिली, तो सुबह सुबह का टाइम है और हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, ब्रेड वेड खा लिया है मैंने और बाबू अभी सो रहा है और सुबह सुबह जग गया था लेकिन अभी तो आराम कर रहा है, सो रहा है। तो अभी मेरा काम है कि मैं फटाफट से जा रही हूँ, नहा लेती हूँ क्योंकि जग जाने के बाद ना फिर वही है कि बैठना पड़ता है पास में। अभी शाम हो चुका है और थोड़ा सोच रही हूँ कि बर्गर के पहले चाय बना लूँ क्योंकि सबको वेट कर रहे हैं चाय के लिए, तो चाय बना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है तो आलू बॉयल है तो आलू का बर्गर भी बन जाएगा फटाफट से, फ्रिज में रखा हुआ है हमारा बर्गर ब्रेड। तो पहले चाय बनाते हैं उसके बाद बर्गर बनाते हैं। पकड़ लिया ना। ये फैमिली, सुबह सुबह का टाइम है और रात से हमारे घर में एक मेहमान आया हुआ है, आपको दिखाती हूँ वो कौन है। और उसका उसको ले मतलब कि हाथ में लेने जा रहे और बहुत डर भी रहे हैं कि कहीं काट लेगा, लेकिन वो काटता नहीं है, टिड्डा है वो, काटता नहीं है। इतना डरिएगा, जूलॉजी स्टूडेंट है ना। काट लिया क्या? पैर में से काटा है। काटा होता है, हाँ, हल्का काटा भी होता है। लाल काटा, काटा खड़ा कर लिया पैर का, ये देखो, हाँ पैर का काटा खड़ा कर लिया। काटा अब उसको छुएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा, प्रोटेक्शन के लिए काटा खड़ा कर लिया। छोड़ देते हैं, वो अपने घर में ही रहेगा। नहीं नहीं, निकल जाएगा, थोड़ा कपड़ा पहनोगे ना तो उससे निकालते ना। हाँ वो निकल जाएगा, तुरंत पैर का काटा ना वो कर लिया ओपन। कल भूकंप आया तो बेचारा डर के ना वो हमारे घर में आ गया, बहुत तेज भूकंप आया था, हम लोग सोए हुए थे और नींद में थे, अब मेरी नींद टूटी थी तब पता चला। देख फूल जाएगा अपने आप, चला गया बाहर, चला बाहर गया, हाँ बाहर गया, चला गया वो बाहर की तरफ, अब पता भी नहीं चला कैसे चला गया, वो दिखेगा खून निकल रहा हल्का सा, कहाँ है ना ब्लड निकल रहा है। हाँ सच में वो भी मारते हैं एनिमल को पकड़ने जा रहे हैं, उनको पता तो है नहीं कि मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी तो करेंगे ना, तो काटा घट गया उनका। चलते हैं बर्गर बनाते हैं, मैं बना रही हूँ बर्गर। ये सब आलू का वो बन गया है, आलू मसाला बन गया है, यहाँ बर्गर भी कट हो गया है, यहाँ पे वो टमाटर और प्याज डलता है तो ये भी हो गया है, यहाँ है तवा जो कि जाएगा बर्गर इसके ऊपर, जलते ही जलना बर्गर।